नहीं देखा, मैं उन परिस्थितियों को नहीं देखा, मैं उन समस्याओं को नहीं देखा। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मुझे कचारगढ़ जाना है, मेरे दिमाग में बस वो बातें आ गई, बस वो बातें आ गई, मैं यहां पे पहुंच गया। अब मुझे क्या करना था, वो प्रक्रिया करनी थी। वो प्रक्रिया क्या थी, मुझे ट्रेन पकड़नी थी, मुझे बस पकड़नी थी, फिर यहां पैदल आकर आप लोग से मिलना था। इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूं, हम अगर आज ही ये प्रतिज्ञा कर लें कि हम सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ, महान में महान कहलाने वाले जातियों में से एक है, और हम हमारे इतिहास, हम पहले राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे, तो हमको बस उन प्रक्रियाओं को करना है कि हम कैसे उन चीजों को प्राप्त करें, उन चीजों को कैसे हम अपनाएं, उन चीजों को क्या वो प्रक्रियाएं हैं, क्या वो करनी है, क्या वो कार्य करने हैं जिससे हमारे समाज का उत्थान हो, समाज का नाम हो, समाज के प्रगतिशील हो। आपको आप ये मत सोचिए कि एक आईएएस ऑफिसर ही समाज का सही नेतृत्व कर सकता है, एक समाज सेवी ही काफी है, एक एक साधारण सा व्यक्ति ही काफी है, एक साधारण सी महिला ही काफी है, एक साधारण सा भाई ही काफी है, एक साधारण सी बहन ही काफी है। बस यह संकल्प होना चाहिए। तमाम उदाहरण है, तमाम हमारे आदर्श है, हम उनके संकल्पों को देखें, उनके विचारों को पढ़ें, वो भी एक साधारण व्यक्ति ही है थे, वो भी एक मां की कोख से जन्म लिए थे, हम भी जन्म लिए हैं, तो हम ये परिवर्तन जरूर लाएंगे। प्रापेंता, प्रापेंता, प्रापेंता। भाइयों, मेरा जन्म भले ही उत्तर प्रदेश में हुआ हो, लेकिन जब मैं यहां आया तो मुझे लगा कि यही मेरा परिवार है, ऐसा परिवार शायद कहीं नहीं है जहां पर इस तरह की उदारता, दयालुता, सच्चे भाव कहीं मुझे दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार मैंने साक्षात मैंने जो सुना था, आज मैंने देखा कि यहां पे अगर किसी चीज, किसी व्यक्ति का कोई भी सामान, सामग्री, वस्तु अगर खो जाती है तो वो मंच पे आती है। आज मैंने देखकर अपने आप को बड़ा आश्चर्यचकित समझा। मैं बहुत ही बहुत आप लोग को इस कर्तव्य को मैं रेडी होऊंगा। मैं अंदर अपने अगर कभी भी हमको ये कभी महसूस नहीं होगी कि मैं उस समुदाय, उस परिवार से आता हूं कि जहां पर आज भी सच्चाई और सत्यता और निष्ठता कायम है। और मैं कुछ पंक्तियां हैं, मैं उसे भी कहना चाहूंगा। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरस्ते में, हौसले के तरकस में, कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का वो उम्मीद जिंदा रख, बहना हो तो बेशक बह जा, मगर सागर में मिलने की वो चाह जिंदा रख, मिटना हो तो आज भी मिट जाए इंसान, मगर मिटने के बाद भी इंसानियत जिंदा रख। प्रापेंता, प्रापेंता। मैं एक बार पुनः आप सभी को सेवा जोहार करता हूं और अपने बाड़ी को विराम करता हूं। और बहुत सारे प्रवक्ता लोग ने कहा कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए, हमारे भाई बहन आप भी आप आए हैं तो यहां से एक संकल्प लेकर जाएं, और हम जहां भी जाएं, जैसे भी जाएं, जिस स्थिति में रहे, हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने समाज, अपने वर्ग, अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। हमें हमारे बुजुर्ग, आदर्श, महामहिम सभी लोग का
आशीर्वाद प्राप्त है सेवा विभाग से।